हेलो एवरीवन, माइसेल देवर्तगिरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक्चुअली मुझे बहुत ही खुशी अच्छी बिकॉज ऑफ टू रीजन, दुटा रीजन अच्छी। आज हूँ 5th अगस्त, 5th अगस्त जोटा कि मो बर्थडे आज। एंड सेकेंड रीजन हैप्पी होबार, आज आम शुरू करने जाऊँ क्वांटम मेकानिक्स, जोटा कि सीपेट पाई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स, कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, क्वांटम मेकानिक्स रही बहुत डेप्थ को आम जीवानी, जी बेसिक दरकार नेसेसरी एग्जाम क्रैक करने से सब आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम डिस्कसन करवा क्वांटम मेकानिक्स द त्रिशूल लाइक सिंबल, जोटा कि एस सी वर्मा बुक लिखा है द त्रिशूल लाइक सिंबल, ये कौन एक्चुअली क्वांटम मेकानिक्स अच्छी। तो क्वांटम मेकानिक्स एक्चुअली आम पढ़े कौन, क्वांटम मेकानिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डायनामिक्स विषय में पढ़े। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक्सेट्रा है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म आसे क्वांटम मेकानिक्स रे वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन फर्स्ट डेफिनेशन बुझा, तार यूज बुझा, कौन कहीं कौन यूज करहब देखा है ना, कमी यूज कर। ए वेव फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मेकानिकल सिस्टम एंड कंटेन्स ऑल वैल्यूएबल इनफॉरमेशन रिगार्डिंग दैट सिस्टम इज नोन एज वेव फंक्शन, जहाँ को हमें वेव फंक्शन साई को डिनोट करते साई। सो इट इज जनरली कॉम्प्लेक्स, जनरली कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जन जान कॉम्प्लेक्स रो किसी फिजिकल सिग्निफिकेंस न था, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन रो। सो इट हैज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस, नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस। ठीक अच्छे, मुझे जहाँ जहाँ कहूँ लिखने बस बुझापी ट्राए कर लिखने। सो ताले यार किसी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ना, ये हूँ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट टी ऊपर डिपेंड करे, एक्स एंड टी। सो साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, वन डायमेंशन कह थ्री डायमेंशन लिखे साई इज ए फंक्शन ऑफ आर टी। ओके लिखिया, तो यार किसी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ना, यार फिजिकल सिग्निफिकेंस केत जो यार मोड स्क्वायर करवा साई मोड स्क्वायर, सपोज साई एक्स मोड स्क्वायर, एक्स ऑफ टी कर दूसरी साई एक्स कमा टी मोड स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम, टाइम टी एंड पर्टिकुलर पोजीशन, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, पोजीशन एक्स। ठीक अच्छे, और ये जो टर्म रख प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करेक्ट, एक हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी लिखो। ठीक अच्छे, तारे ये रिप्रेजेंट करो पार्टिकुलर टाइम रे और पार्टिकुलर पोजीशन रे पार्टिकल रो प्रोबेबिलिटी केते। ठीक अच्छे, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी जान, जो क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक, तार रिजल्ट ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक हो। ठीक अच्छे, तो आउ किसी सर्टेन टर्म्स मुझे लिखी दूसरी, सपोज साई एक्स टी मोड स्क्वायर, एक्स कमा टी मोड स्क्वायर इनटू डीएक्स, डीएक्स डीएक्स इज द स्मॉल इंटरवल। सपोज एटा ओरिजिन द्वारा जो एटू ये एक्स आउ एटा हूँ सपोज एक्स प्लस डीएक्स। ठीक अच्छे, ताले एटा हूँ इंटरवल डीएक्स, मैंने पोजिशन इंटरवल दिस डीएक्स। यार मीनिंग कौन, यार मीनिंग हूँ प्रोबाबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डीएक्स, माने एक्स आउ एक्स प्लस डीएक्स, माने ए डीएक्स इंटरवल भितरे पार्टिकल रो पाइबार चांसेस, माने प्रोबेबिलिटी केते कौन रिप्रेजेंट करिवो ना साई एक्स टी मोड स्क्वायर इनटू डीएक्स है, प्रोवाइडेड दैट दिस इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक अच्छे,
ଯଦି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଥିବ ସପୋଜ ଲାଇକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଆଉ ପୋଜିସନ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଟୁ, ତାହେଲେ ପାର୍ଟିକେଲର ପାଇବାର ମାନେ ପାର୍ଟିକେଲ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସ ଟୁ ପୋଜିସନ ଭିତରେ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ପାଇବା ଆମେ, ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିବା, ଡିଏକ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରିବା ଫ୍ରମ୍ କେତେ ନା ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ। ଦିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ପାର୍ଟିକେଲ ବିଟୁଇନ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ, ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସ ଟୁ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକେଲର ପାଇବାର ପ୍ରବାବିଲିଟି ଦିସ୍ ଏଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ ଆମକୁ, କରେକ୍ଟ। ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ପାର୍ଟିକେଲ, କେଉଁ ପାର୍ଟିକେଲ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକେଲର ମୋସନ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିବ ଏଇ ସାଇ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଟି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସାଇ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଟି ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ସାଇ ଷ୍ଟାର ସାଇ। ସାଇ ଷ୍ଟାର କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ ସାଇ, ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆୟୋଟା ଥିବ, ଆୟୋଟା ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ସେଇଠି ମାଇନସ୍ ଆୟୋଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆୟୋଟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଆୟୋଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସାଇ ମୋଡ୍ ଏକ୍ସ ଟିର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇ ଷ୍ଟାର ସାଇ, ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବା କେଉଁ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଫିଜିକାଲି ଆଡ଼ମିସେବୁଲ ହେଉ, ପାର୍ଟିକେଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକାଲି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଏକ୍ସ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଧର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସବୁ ଜିରୋ ଏବେ ଭାବିଦିଅ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ସୋ ସାଇ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ତ କେଉଁଟା ଫିଜିକାଲି ଆଡ଼ମିସେବୁଲ ହେବ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେବ, କେଉଁଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେବନି ଦେଖିବା। ତ ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବା, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଇଟା ଲେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ। ସୋ ସାଇ ମାଷ୍ଟ ବି ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନେବା ସେଟା ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଡାଇଭର୍ଜ କରିନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇନି, ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, ସାଇ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଚୁଜ୍ କଲି ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, ବଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋରେ ଡାଇଭର୍ସ କରିଯିବ, ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି, ଏଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ନେଇପାରିବନି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବାନି। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଭ୍ୟାଲୁ, ହେଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେବା ଦରକାର ନା, ସାଇ ସ୍କୋୟାର, ଆମେ ତ ସାଇର କିଛି ଆମର ପାଇବାର ନାହିଁ, ସାଇ ମୋଡ୍ ସ୍କୋୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରବାବିଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍। ସୋ ସାଇ ମୋଡ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ପ୍ରବାବିଲିଟି, ଯଦି ଇଏ ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରବାବିଲିଟି ବି କ'ଣ ହେବ, ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ। ପାର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପାଇବାର ପ୍ରବାବିଲିଟି ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ପାର୍ଟିକୁଲ ବୋଥ୍ ହାଫ୍ ହେବ ଆଉ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ହେବ, ସେମିତି କହିହେବନି, ପ୍ରବାବିଲିଟି ୱାନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ହେବ, ମାନେ ଆଇଦର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ନହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍, ତାମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଡ଼ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଫାଇନାଇଟ୍ ବି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ପାର୍ଟିକୁଲ ଫାଇନାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବାବିଲିଟି ଫାଇନାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଇ ବି ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେବା ଦରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଜନ୍ ବି ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି, ହେଲା। ଦେନ୍ ସାଇ ମାଷ୍ଟ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ, ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ପି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଫାଇନାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସରି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏୟାର ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ହେବା। ଯଦି ସାଇ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ କହିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି, କରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ, ତ ମୋମେଣ୍ଟମ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଇ ସୁଡ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଡେଲ୍ ସାଇ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ, ଡେଲ୍ ସାଇ ବାଇ ଡେଲ୍ ୱାଇ, ଡେଲ୍ ସାଇ ବାଇ ଡେଲ୍ ଜେଡ୍ ମାଷ୍ଟ ବି ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଡ଼, ହେଲା। ଇଏ କାହିଁକି ଫାଇନାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେବା ଦରକାର, କରେକ୍ଟ। ସଲ୍ଭ ଆମେ ଏଇଠି କହିଲେ ଏବେ କ'ଣ, ପିକେ ବିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଡେଲ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ
মানে এটা ডেল সাই বাই ডেল এক্স যদি পুট করি, এটা লিখি সাই, তো এই যে এই এই টার্মটা ফাইনাইট হেলে যায় কি, তো মোমেন্টাম ফাইনাইট হবো, ই সিঙ্গেল ভ্যালু হলে তো মোমেন্টাম সিঙ্গেল ভ্যালু হবো, তো মোমেন্টাম এই সব ডেল সাই বাই ডেল এক্স, ডেল সাই বাই ডেল এক্স হচ্ছে মোমেন্টাম ডিটারমিন করো মোমেন্টাম অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, সো এটা হচ্ছে মোমেন্টাম অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, তো এই মোমেন্টাম অ্যালং জেড অ্যাক্সিস, তো এইটা ফাইনাইট হওয়া তা সরি এটি হচ্ছে এটা দিজ আর ফাইনাইট, ফাইনাইট কাহিঁকি হওয়া দরকার, তা মোমেন্টাম কু ফাইনাইট করিয়া পাই গেলে, এন্ড 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 এটা লিখিবি ডেল সাই বাই ডেল টি অলসো ফাইনাইট এন্ড সিঙ্গেল ভ্যালু, ডেল সাই বাই ডেল টি কাহিঁকি ফাইনাইট এন্ড সিঙ্গেল ভ্যালু হওয়া দরকার, না এনার্জি অপারেটর তুমি জানিছ অলরেডি এইচ কে ভি গলু কেতে প্লাস আয়োটা এইচ ক্রস ডেল বাই ডেল টি, ঠিক আছে, সো ডেল বাই ডেল টি এই ফাইনাইট হওয়া দরকার, দেলে যাই তো আমি এনার্জি কু ডিফাইন করে যাবা করেক্ট, পার্টিকুলার পয়েন্টে পার্টিকুলার এনার্জি কইবা, সিঙ্গেল ভ্যালু বি কইবা, তারপরে ইয়ে নেক্সট ফোর্থ নম্বর পয়েন্ট, ডেল সাই বাই ডেল এক্স, ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই আর ডেল সাই বাই ডেল জেড মাস্ট বি কন্টিনিউয়াস, এই কন্টিনিউয়াস হবার রিজন কোন দেখো, নেক্সট আমি কাইনেটিক এনার্জি কোন জানছে, কাইনেটিক এনার্জি পি স্কোয়ার বাই টু এম, অলরেডি আমি জানা আছে কাইনেটিক এনার্জি পি স্কোয়ার বাই টু এম, সো ওয়ান বাই টু এম পি স্কোয়ার, মানে পি স্কোয়ার যদি করিবা আয়োটা মাইনাস আয়োটা এইচ ক্রস স্কোয়ার, তাহলে মাইনাস এইচ ক্রস স্কোয়ার, এটা এয়ার স্কোয়ার হয়ে যাবে, মানে ডেল ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার, সাইটুকু মুঁ হটাই দিই অপারেটর কাইনেটিক এনার্জি, দেখো কাইনেটিক এনার্জি কু ডিফাইন করিয়া পাই হেলে ঠিক আছে, তাহলে ইয়ার পূর্ব ডেরিভেটিভটা মানে ডি বাই ডি এক্সটা কন্টিনিউয়াস হওয়া দরকার, কাহিঁকি গোটে ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস তার ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করিব, ডেল সাই বাই ডেল এক্স এক্সিস্ট করিব, সো যদি ডেল সাই বাই ডেল এক্স কন্টিনিউয়াস তাহলে ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এক্সিস্ট করিব, ওকে নাই, সো কাইনেটিক এনার্জি এক্সিস্ট করিয়া পাই হেলে এইটা কন্টিনিউয়াস হওয়া দরকার, দেন লাস্ট কোন পাঁচ নম্বর যে কন্ডিশন অছি, সাই মাস্ট বি স্কোয়ার ইন্টিগ্রেবল, মানে ইন্টিগ্রেশন অফ সাই মোর স্কোয়ার ডিএক্স ফর অল ওভার দ্য স্পেস ইজ ফাইনাইট, অল ওভার দ্য স্পেস মানে এটা এক্স এক্সিস চুজ করছি না, তো এক্স র অল ওভার দ্য স্পেস মানে মাইনাস ইনফিনিটি রু ইনফিনিটি, ঠিক আছে, মানে মাইনাস নেগেটিভ ইনফিনিটি রু স্টার্ট করি প্লস ইনফিনিটি যাই সব জায়গায় এই মানে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করিবা এই ইন্টিগ্রেশন ভ্যালুটা কোন হব ফাইনাইট হওয়া দরকার, কাহিঁকি এটা কোন রিপ্রেজেন্ট করে, দিস হোয়াট দিস রিপ্রেজেন্টস, দিস রিপ্রেজেন্ট প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য পার্টিকল অল ওভার দ্য স্পেস, আর সেটা ফাইনাইট হওয়ার 100% জরুরি, আর যদি সেটা ফাইনাইট নহেলা তার মিনিং কোণ হবে, মানে পার্টিকল চান্সেস হি নাই, মানে অল ওভার দ্য স্পেস সব জায়গায় আমি খোঁজবা যদি পার্টিকল হি নাই মানে আনডিফাইন্ড হয়েছি হ্যাঁ কি, তার মিনিং কিছু রহবনি, সেইপাই এটা কোণ হওয়া দরকার ফাইনাইট হওয়া দরকার, তো এবার গোটে এক্সাম্পল সলভ করি, ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ওয়েল বিহেভড ওয়েব ফাংশন, কোটা ফিজিক্যালি অ্যাসেপ্টেড ওয়েব ফাংশন এই চারটার আমি চুজ করি, ঠিক আছে, তো স্ক্রিন কু পজ করে ফার্স্ট নিজে সলভ করা ট্রাই কর, তাপরে সলুশন দেখ, ঠিক আছে, তো ফার্স্ট কন্ডিশন চেক করিবা, সাইন এক্স, সাই অফ এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন এক্স, তো সাইন ন গ্রাফ এ সমস্ত জানিছ, তো ইয়ে ফাইনাইট অলরেডি জানছে ফাইনাইট সমস্ত ফিক্স ভ্যালু আছে সবগুলা হ্যাঁ কি, এই পয়েন্টে ফাইনাইট ভ্যালু, এই পয়েন্টে ফাইনাইট ভ্যালু, কোটি বি ইনফাইনাইট ভ্যালু আসুনি, সিঙ্গেল ভ্যালু এই পার্টিকুলার পয়েন্টে এক্স র পার্টিকুলার পাই পার্টিকুলার ভ্যালু, পার্টিকুলার পয়েন্ট পাই পার্টিকুলার ভ্যালু, তো সিঙ্গেল ভ্যালু ফাইনাইট আর কন্টিনিউয়াস বি দেখা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, আর ডেরিভেটিভ বি এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে, বাট এইটা স্কোয়ার ইন্টিগ্রেবল হবনি, মানে ইন্টিগ্রেশন যে লাস্ট কন্ডিশনটা আমি কইতিলে সাই মোর স্কোয়ার ডিএক্স ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি করি দেখো, সাই মোর স্কোয়ার কেতে না এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা, এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মানে সাইন স্কোয়ার কে এক্স, ঠিক আছে, দ্যাটস ইকুয়াল টু আমি লিখিপারিবা এ স্কোয়ার বার করলে তাকে টু গোটে মল্টিপ্লাই কর, টু গোটে ডিভাইড কর, টু গোটে মল্টিপ্লাই কলে টু ডিভাইড, টু সাইন স্কোয়ার থিটা কেতে ওয়ান মাইনাস কোস টু থিটা, টু সাইন স্কোয়ার থিটা হচ্ছে কেতে ওয়ান মাইনাস কোস টু থিটা, ওয়ান মাইনাস কোস টু কে এক্স, এটা টুটা এটি মল্টিপ্লাই হয়ে গেছি, ইন্টিগ্রেশন কেতে ডিএক্স ফ্রম কেতে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি, দ্যাটস ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার, এটা ইন্ডিভিজুয়াল কেতে ওয়ান ডিএক্স ইন্টিগ্রেশন কেতে রয়েব এক্স রহব, ঠিক আছে, লিমিট কেতে মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি, বাকি নেক্সট টার্ম এমতি রহলা, আর দেখো ইনফিনিটি ফার্স্ট কেতে ইনফিনিটি, এটা মাইনাস মাইনাস প্লস ইনফিনিটি, তাহলে ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে আনসার, ঠিক আছে, তো যেহেতু এটা স্কোয়ার ইন্টিগ্রেবল নুহে, সো দিস ইজ নট ফিজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েব ফাংশন, ঠিক আছে, কোশ্চেন কোণ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ফিজিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েব ফাংশন,
क्वेश्चन मेंशन ना ही इंटरवल ठीक है ऑल ओवर स्पेस जदि मेंशन नथिबो ऑल ओवर स्पेस आम बुझा ऑल ओवर स्पेस माने माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी किछि बेला भाबु तो एटा अछि आमे पढ़ीते कौथिरे वन डायमेंशनल बॉक्स रे पढ़ीचे ए साइन एन पाई एक्स बाय एल तो एटा तो फिजिकली एक्सेप्टेबल होतला एक्सेप्टेबल होतला बट सेटी बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करे माने 0 रु एल इंटरवल भितरे ना कि माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी भितरे ठीक है तो फर्स्ट वन इज कौन ऑप्शन इज ओमिटेड फर्स्ट ऑप्शन ने कटिगला एटा नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा ए टेन एक्स देखिए ये फाइनाइट की फास्ट कथा फाइनाइट की सब जगह टेन एक्स कौन फाइनाइट टेन थीटा फाइनाइट टेन नाइंटी डिग्री वैल्यू के टेन नाइंटी तो इनफाइनाइट हो ना अच्छा टेन जो ग्राफ तुम मन थी ठीक अच्छे जो ग्राफ ये कि हुए एमती देस एभिया सरी टेन जीरो के जीरो टेन नाइंटी हूँ इनफिनिटी आउ टेन वन एट्टीटा भी जीरो तमें एमती आस भाया ए भाया ए भाया मैंने ये आउ थे क्लीयर कर दूसरी एमती नेक्स्ट एमती एभ जाए ठीक अच्छे ये जीरो आड़ को एप्रोच करे नेक्स्ट पुणी एभ आस नेक्स्ट पुणी एमती जीव ठीक अच्छे तो देख ये डिसकंटिन्यूटी देखा ये डिसकंटिन्यूस अच्छी तर फंक्शन डिसकंटिन्यूस एंड कौन इनफाइनाइट हो फंक्शन तो यहाँ फाइनाइट होनी कि कंटिन्यूस भी हेनी तो यहाँ रिजेक्ट होगा ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट देखा साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स हुए के ग्रेटर देन जीरो ठीक है के ग्रेटर देन जीरो देखिए यहाँ फाइनाइट कि नुहे ठीक है ये तो फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स फाइनाइट कते फाइनाइट हम जितेबाद एक्स ग्रेटर देन जीरो जो एक्स टेन्स टू इनफिनिटी हमें चूज करेंगे माइनस इनफिनिटी एक्स जो माइनस इनफिनिटी आड़ को एप्रोच करे से कत साई ऑफ एक्स के ए टू दि माइनस ऑफ माइनस एटा इनफिनिटी होगा तो कतला इ टू दि पावर प्लस के इंटु इनफिनिटी मैंने इनफिनिटी तो इनफिनिटी को एप्रोच कर जितेबाद एक्स टेन्स टू माइनस इनफिनिटी सो के टा इनफिनिटी आड़ को एप्रोच कर करेक्ट सो यहाँ ये कंडीशन रिजेक्ट होगा कौन एक्स जो टेन्स टू माइनस इनफिनिटी यहाँ फाइनाइट नुहे नॉट फाइनाइट दिस फंक्शन इज नॉट फाइनाइट एट एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी आउ ये फंक्शन टा स्क्वायर इंटीग्रेबल भी हेनी जदि आम कर देखा माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी ए मोर स्क्वायर ई टू द माइनस टू के एक्स मैंने आपको जब मोर स्क्वायर कर दे ए स्क्वायर हम ई टू द माइनस टू के एक्स आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर देखिए ये फाइनाइट आसिबो नाही रिजल्ट करेक्ट तापरे आउ रहिला कौन लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन टा करेक्ट हो तो देखिए कहीं करेक्ट ए ऑप्शन टा करेक्ट हो कहीं करेक्ट हो फास्ट कथा एक्स स्क्वायर इटू द माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये फाइनाइट सब जगह कंटिन्यूस सब जगह ठीक अच्छे कहीं एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस हम डेरिवेटिव भी एक्जिस्ट करे तो स्क्वायर इंटीग्रेबल कि नहीं चेक करिवा लास्ट रे स्क्वायर इंटीग्रेबल कि नहीं तले माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर इटू दर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर रो मोर स्क्वायर हला इनटू डीएक्स केते हो जितरे तो एटी हेबा ए मोर स्क्वायर अच्छा ए मोर काई के लउची ए जो कोएफिशिएंट ना जनरली कॉम्प्लेक्स हला सेति भाई यार मोर स्क्वायर नि आउची तो एटा स्क्वायरिंग करले केते एक्स टू दी पावर 4 हे जीवो आ इटू दर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर हे जीवो ठीक अछि इनटू डीएक्स पर माइनस इनफिनिटी रु इनफिनिटी एटा एउटा स्टैंडर्ड इंटीग्रल गामा फंक्शन स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो या सॉल्व करी हो या वैल्यू हो गामा एन प्लस वन माने फोर प्लस वन बाय टू इनटू ए जो कोएफिशिएंट अच्छी टू अल्फा पावर फोर प्लस वन बाय टू तो ये वैल्यूटा फाइनाइट आसो ठीक अच्छे तो यहाँ आंसर हो दिस इज द ओनली फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ठीक अच्छे यदि क्वेश्चन ने जितेपर्यंत मेनसन बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करे कि ना सेतपर्यंत आम सैन एक्स को आम कहानी कि सैन हो कि कस हो के आम कहानी से फिजिकली एक्सेप्टेबल बोली कहीं ऑल ओवर द स्पेस आमको चेक करते हो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी है ठीक अच्छे नेक्स्ट आउट एग्जांपल दौर ये चार्टा भितर कौटा फिजिकली एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन हम ताक निजे ट्राए कर फास्ट ठीक अच्छे सल्यूशन देख साई ऑफ एक्स ए टेन एक्स वि कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ डी बाय एक्स स्क्वायर आ गए अच्छी ई
एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एफ एक्स के। तो लास्ट जो एग्जांपल दी थी लास्ट फोर्थ बिट जो थिला फोर्थ बिट ताकु ता विषय टिम कहि दु छी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पर एफ एटा थिला साई ऑफ एक्स। ठीक है आपको आम प्लस और माइनस इनफिनिटी भी चेक करके देखिए फिजिकली मैंने फाइनाइट होना हो फिजिकली एक्सेप्टेबल हो ना नहीं। तो जब एक्स टेंड्स टू फास्ट प्लस इनफिनिटी नियो ठीक है फास्ट प्लस इनफिनिटी ताले ए जो टर्मटा के एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इनफिनिटी स्क्वायर मान इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस इनफिनिटी है एक्सपोनेंशियल माइनस इनफिनिटी वन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ इनफिनिटी दैट्स इक्वल टू वन बाय इनफिनिटी इक्वल टू जीरो ताले एटा कौन गला जीरो हम तर फिजिकली मैंने सॉरी फाइनाइट है ताले एक्स इक्वल प्लस इनफिनिटी फाइनाइट यदि एक्स जगह माइनस इनफिनिटी पुट करो माइनस इनफिनिटी स्क्वायर भी सी प्लस इनफिनिटी हम माइनस इनफिनिटी स्क्वायर भी सी प्लस इनफिनिटी हम ताले अगेन सेम सिचुएशन आसीला पुनी जीरो हो गला तो जीरो इज फाइनाइट तो फाइनाइट है प्लस और माइनस इनफिनिटी भी चेक कर दबो करेक्ट आउ किछि बेला भाबु तो यदि एटी काई सर इनफिनिटी पुट न करले हमें एक्स इक्वल इनफिनिटी काई कि पुट करले नीति तो यदि इनफिनिटी पुट करले इनफाइनाइट हो जाउ फंक्शन बट एटा कह जाए सर स्लो वेरिंग फंक्शन कौन कह स्लो वेरिंग फंक्शन या कौन कह रैपिड वेरिंग फंक्शन स्लो वेरिंग फंक्शन स्लो वैल्यूज पर ही मैंने लेस वैल्यूज पर ही जो एक्स स्क्वायर ये भाया है कि यार ग्राफ प्लॉट कर ठीक है ये टाइप ठीक है यहाँ हूँ एक्स स्क्वायर मैंने लेस वैल्यू एक्स रेस वैल्यू पर यहाँ डोमिनेंट हम एक्स लार्ज वैल्यू पर यही एक्सपोनेंशियल फैक्टरटा डोमिनेंट कर ठीक है सो एक्स लार्ज वैल्यू किए इनफिनिटी तो से डोमिनेंट हम ठीक है तरह ये पुट करवा ये तो पुट कले इनफाइनाइट हो जाए करेक्ट तो यहाँ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन सब सब एंगल गोटे फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन सब कंडीशन सैटिस्फाई हो ठीक है तो यहाँ कह ए कौन हम फास्ट तो अलरेडी मुझे कही सारे ये कौन देखो ऑल ओवर स्पेस चेक करार अच्छी फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो आउट ऑफ फॉलोइंग द वेव फंक्शन इज फिजिकली एक्सेप्टेबल करेक्ट सो ऑल ओवर स्पेस जो चेक करवा ये कौन हम यहाँ हूँ नॉट फाइनाइट फाइनाइट नुहे एक्स 90 डिग्री जो वैल्यू कौन इनफाइनाइट हो ये कौन हम ना स्क्वायर इंटीग्रेबल नुहे नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल ऑलरेडी मुझे कहली कहीं स्क्वायर इंटीग्रेबल नुहे तापरे एडी चेक करो तर आम पॉसिबिलिटी लगुच दुटा भितर हो ठीक है एडा चेक कर फास्ट एट फाइनाइट कि ना देखा ठीक है देख एक्सपोनेंशियल ऑफ डी बाय एक्स स्क्वायर आज एक्स स्क्वायर एमती रहा ठीक है तो जदि आम एक्स जगार प्लस और माइनस इनफिनिटी पुट करवा ठीक है प्लस और माइनस इनफिनिटी पुट कर फास्ट तले एक्सपोनेंशियल ऑफ डी बाय इनफिनिटी रो स्क्वायर होची इनफिनिटी आ 1 बाय इनफिनिटी केते हि जीवो 1 बाय इनफिनिटी जीरो हि जीवो ठीक है तो हमें केते पाइले एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो इक्वल टू 1 ठीक है फाइनाइट अछि 1 बट आमे डी विषय रे हमर किछ भी आईडिया नहीं करेक्ट डी विषय रे किछ भी आईडिया नहीं सपोज इट डी नेगेटिव हला ताले कोन हबो देखिबा डी होची हमें नेगेटिव हला भाभी दो नेगेटिव ठीक है ताले ए टू दिवार माइनस जीरो ताले भी वन डी जदि पॉजिटिव हला डी जदि पॉजिटिव हला ताले देखिबा कौन ए टू दिवार जीरो ताले भी वन ताले ठीक है एटा भी चेक करते अछि कांस्टेंट रो हला कि डी चेक करे ताले डी पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो ताले सब जगह हो बट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करिया थरे एक्स इक्वल टू जीरो ताले वन बाय डी बाय जीरो डी बाय जीरो टा इनफिनिटी समथिंग बाय जीरो इनफिनिटी सो एटा हैला इनफाइनाइट ताले जीरो रे फंक्शन फाइनाइट हो नाही ताले एटु हम रिजेक्ट कर दबा ठीक अछि जीरो रे फंक्शन फाइनाइट हो नाही सो नॉट फाइनाइट एट एक्स इक्वल टू जीरो ताले एक्स इक्वल जीरो रे फाइनाइट होनी प्रथम देखियो एटा ठीक बाकी तो लास्ट ऑप्शन एटा ही रही गला तो एटा ही करेक्ट हो 100% सो चेक करिवा एटी फाइनाइट कि नाही सिंगल वैल्यू कि नाही देखा जाए सब एक्स सब फाइनाइट वैल्यू पर फाइनाइट हो जीरो भी जीरो हम ठीक है अच्छा बर्तमान एक्स जगह इनफिनिटी पुट कर एक्स टेंड्स टू जब प्लस और माइनस इनफिनिटी तो मुझे तुमको कौन कहली यहाँ डोमिनेट कर रैपिड वेरिंग फंक्शन यहाँ बहुत जल्दी जल्दी वेरी होगा लेस वेरी हो स्लो वेरिंग फंक्शन तो ये पुट कर माइनस एफ प्लस और माइनस इनफिनिटी स्क्वायर होती इनफिनिटी तो या लिखा इ टू द पावर इनफिनिटी वन बाय टू द इनफिनिटी ताको वन बाय इनफिनिटी इक्वल टू जीरो तो जीरो इज फाइनाइट सो फाइनाइट फाइनाइट तार स्क्वायर इंटीग्रेबल कि नुहे स्क्वायर इंटीग्रेबल यार स्क्वायर को डायरेक्ट केते ई मोड स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ई टू द माइनस टू एफ एक्स स्क्वेयर डीएक्स फ्रॉम के माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी लास्ट एग्जाम्पल दे लिता आपने हाला कि नहीं तो यार इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड गामा गामा फंक्शन रे बाहरी हो ठीक है तो ये वैल्यूटा फाइनाइट हो करेक्ट सो दिस इज फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन करेक्ट तापर फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो गला पर तो दीटा कोन दीटा पुनी दीटा कैटेगरी डिवाइड कर दी गोटे जो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन दी प्रकार बाउंड स्टेट हो आउटे अनबाउंड बाउंड से को लोकलाइज भी कहबा लोकलाइज्ड स्टेट और अनबाउंड को स्कैटरिंग स्टेट भी कहबा स्कैटरिंग स्टेट्स ठीक है तार कंडीशन कौन जो एक्स और वाई और जेड टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी रे साई टेंड्स टू जीरो होबा दरकार ताले ताको कहबा बाउंड स्टेट आउटी कौन कहबा जो एक्स टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी वाई टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी जेड टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी साईटा जदी फाइनाइट होतबो ताले सेटा अनबाउंड स्टेट ताले एक्स टेंड्स टू बुझिले कौन एक्स टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी रे साई मोर स्क्वायर भी जीरो होबो अच्छा साई मोर स्क्वायर जीरो माने कौन प्रोबेबिलिटी ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी इज जीरो और एट वाई टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी जीरो और जेड टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी इज जीरो हैला ताले प्रोबेबिलिटी जीरो हबो कोटी माने एक्स टेंड्स टू प्लस और माइनस इनफिनिटी रे ताले आमे आकु कहबा कोन बाउंड स्टेट और लोकलाइज स्टेट आउ एटा होची अनबाउंड स्टेट एटी प्रोबेबिलिटी किंतु नॉन जीरो रहबो साई फाइनाइट फाइनाइट हबो बट साई मोर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी टी कोन हबो फाइनाइट एंड नॉन जीरो हबो नॉन जीरो ठीक अछि जदी यार इंटीग्रल वैल्यू भी बाहर करबा तले ये तो स्क्वायर इंटीग्रेबल हबो ठीक अछि ये स्क्वायर इंटीग्रल हबो किंतु पार्टिकुलर रीजन भितरे माने जेंति हम पढ़ितले 0 टू 12 वन डायमेंशनल बॉक्स रे एक्जेक्टली सर ठीक अछि ओके तो ये तो इतने वन डायमेंशनल बॉक्स फुल डिटेल डिस्कशन करिया बाउंड स्टेट विषय रे तार जति की न्यूमेरिकल अछि त लेटर सॉल्व करिया तो नेक्स्ट क्लास को हमें पढ़िबा जो तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अछि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल अछि तार रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिया ठीक अछि तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थिला आ जोटा की बहुत इंपोर्टेंट थिला जोटा की साई ऊपर हमें नॉलेज पाइले साई कोन एक्चुअली साई कोटा वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल हबो कोटा हबो नी ते से डिस्कशन हमें करले ठीक अछि सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।